नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पहाड़ी जीवन। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटिव हो या कंस्ट्रक्शन रिलेटिव या फिर हमारे पहाड़ी नेचर के रिलेटिव, तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये दिखा रहा हूँ कि हमारा अभी नया कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है, हम बना रहे हैं एक रेन हार्वेस्टिंग टैंक जो कि हम बना रहे हैं। मैं उसको दिखाता हूँ आपको, रेन हार्वेस्टिंग टैंक किस प्रकार से यहाँ पर बनता है और किस प्रकार से इस पर काम होता है, क्योंकि ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग समझते होंगे कि पहाड़ों में काम करना है, काम करने का अगर पानी की ज़्यादा दिक्कत आपको महसूस नहीं करनी तो आपको ज़रूरी है कि आप रेन हार्वेस्टिंग टैंक ज़रूर बनाएं, जो कि बढ़िया है क्योंकि पहाड़ों में ज़्यादातर बारिशें होते रहती हैं, तो इससे आपका पानी स्टॉक भी रहेगा और आपके यूज में बढ़िया आ भी जाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार से काम हो रहा है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत से काम जो हमारे हैं वो हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हमारा काम यहाँ पर हो रहा है। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं हमारा टैंक कार्य शुरू हो चुका है और इसकी खुदाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं यह वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ ताकि बहुत से कस्टमर यहाँ पर अपनी ज़मीनें लेते हैं, अपना कार्य करते हैं। आप चाहे किसी से भी ज़मीन लो, किसी से भी अपना कार्य करो, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना कि लोग बोलते हैं पानी की कमी, तो हमेशा रेन हार्वेस्टिंग टैंक ज़रूर बनाएं अपनी ज़मीन पर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं हमारा खुदाई का कार्य चल रहा है और हम यहाँ पर बना रहे हैं 25,000 लीटर का रेन हार्वेस्टिंग टैंक। तो दोस्तों, आपके लिए भी ज़रूरी है, आप भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि पहाड़ों में पानी की कमी को थोड़ा बहुत दूर करने के लिए टैंक ज़रूरी है दोस्तों। आप लोग सब जानते हैं पहाड़ों में हमेशा बारिशें होती हैं और भरपूर मात्रा में बारिशें होती हैं, पर यह समस्या है कि पहाड़ों में पानी टिकता नहीं है। इसके लिए दोस्तों, हम जब भी अपनी कोई अपना घर बनाएं या कुछ भी बनाएं तो उसमें एक रेन हार्वेस्टिंग टैंक एक या दो ज़रूर बनाएं, ताकि हमें जब भी बारिश मिले होए तो उसका भरपूर पानी वहाँ पर इकट्ठा हो जाए और हमें जो फ्यूचर में है तो हमें पानी की उतनी दिक्कत ना हो। तो देखिए किस प्रकार से कार्य चल रहा है। अगर दोस्तों आपको भी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो दोस्तों, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटिव हो या कंस्ट्रक्शन रिलेटिव या फिर हम जो डालते हैं अपने पहाड़ी कल्चर को लेके, वो आप लोगों से मिस ना हो सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा यह बनाई गई वीडियो का महत्व और इसकी जो रेन हार्वेस्टिंग टैंक है पहाड़ों में, इसकी इम्पोर्टेंट आप समझ रहे होंगे। अगर इसके रिलेटिव आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पूछ सकते हैं। और मैं आपको ये दो चार फुटेजेस दिखा रहा हूँ, फुटेजेस ज़रूर देखना कि किस प्रकार से हम वाटर टैंक बनाते हैं, किस प्रकार से उस पर सरिया जाल होता है, किस प्रकार से उस पर RCC होती है, किस प्रकार से उस पर चिनाई होती है दोस्तों। तो लास्ट में फुटेजेस ज़रूर देखना। और चैनल पे पहली बार जो व्यूवर आया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर हमारी यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं यह वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ और मेरा उद्देश्य यह भी था कि आप लोग यहाँ पर बहुत सी ज़मीनें खरीदते हैं, बहुत से अपने कंस्ट्रक्शन कार्य कराते हैं। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप जो भी करें, आप ज़रूर पानी को की समस्या और जो पहाड़ों पर पानी की यूज है उसको समझने के लिए ज़रूर रेन हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण ज़रूर कराएं दोस्तों, अपने घर पे, अपने कॉटेजेस पे, अपने होटल्स पे, क्योंकि उससे ये होता है, साल भर में बहुत बार यहाँ पर बारिश होती है, कम से कम 60-70 दिन यहाँ पर बारिशें होती हैं। अगर 60-70 दिन भी बारिशें हुई तो दोस्तों आराम से आपका जो भी जितने हज़ार लीटर का भी टैंक है, चाहे 20,000 लीटर का हो या 1,00,000 लीटर का, वो आराम से उस पर पानी स्टॉक हो जाएगा, ताकि गर्मियों के टाइम में अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उस पानी को आप अपने यूज में ला सकें। तो यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसको शेयर करना भी ना भूलें, साथ में वीडियो अगर पसंद आ रही है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और दिखा रहा हूँ मैं आपको ये कुछ फुटेजेस, इसको भी ज़रूर देखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।